आज हम मेंस स्वेटर डिजाइन बनाना सीखेंगे। देखिए ये स्वेटर मैंने बना ली है, इसी का डिजाइन आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने इतना बॉर्डर भी तैयार कर ली है और एक कांटा सीधा एक कांटा उल्टा बुनाई कर ली है। अब हम इस पे डिजाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह से पहली फंदा उतार लेंगे इस तरह से और एक फंदा हम ऐसे बिन लेंगे। ये देखिए अब हम देखिए तीन फंदे से डिजाइन बनेगा। अब हम इस तीन फंदे को एक साथ इस तरह से ये देखिए इस तरह से लेंगे। पहले ऐसे सीधी बुनाई करेंगे, फिर फंदे को आगे करेंगे इस तरह से, फिर इस तरह से देखिए इसी तीन फंदे में हम इस तरह से अब एक उल्टी बुनाई करेंगे ऐसे, और फिर एक बार पीछे ले जाएंगे उनको और इसी में फिर से एक टाइम और इस तरह से फंदे निकालेंगे। ये देखिए फिर ये वाला तीनों फंदा हम नीचे उतार देंगे। ये देखिए अब इस फंदे को आगे ले आएंगे और यहाँ पे एक उल्टा बुनाई करेंगे इस तरह से। ये देखिए अब हम फिर फंदे को पीछे ले जाएंगे और फिर तीन फंदे को एक साथ इस तरह से एक दो तीन तीन फंदे को हम एक साथ इस तरह से लेंगे ऐसे। और ऐसे निकाल लेंगे, फिर हम धागे को आगे ले आएंगे उनको और देखिए फिर इस तरह से इसी फंदे में हम एक टाइम और इस तरह से देखिए हमारा दो फंदा हो गया। अब इसको फिर से पीछे ले जाएंगे और एक टाइम और इसमें से एक फंदा और निकालेंगे। ये देखिए ऐसे हमारा तीन फंदा हो गया और इस तीन फंदे को हम नीचे गिरा देंगे इस तरह से। अब फिर इसको आगे ले आएंगे और फिर एक इस तरह से उल्टा बुनाई करेंगे। देखिए ऐसे फिर इसको इस तरह ले जाएंगे और फिर इस तीन फंदे से हम डिजाइन बनाएंगे। देखिए एक दो तीन इस तीन फंदे को हम इस तरह से देखिए ऐसे, फिर एक धागा इधर उनको आगे ले आएंगे और फिर इस तरह से ये देखिए दो फंदे हो गए। अब इसको पीछे ले जाएंगे और फिर से इसको इस तरह से देखिए एक दो तीन तीन फंदे हो गए। अभी पीछे वाले फंदे को हम इस तरह से इस सिलाई वाले फंदे को हम इस तरह से नीचे उतार देंगे। ये देखिए फिर एक फंदा हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए इस तीन फंदे को एक दो और तीन इस तीन फंदे से हम डिजाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह से और इस ऊन को फिर से हम आगे ले आएंगे। ये देखिए फिर पीछे ले जाएंगे तीन फंदे हमारे हो गए। अब ये तीन फंदे हम नीचे गिरा देंगे, फिर एक उल्टी बुनाई करेंगे, फिर इसी तरह से तीन फंदे लेके हम डिजाइन बनाएंगे। इसी तरह हम लाइन को यहाँ तक पूरा कर लेंगे। देखिए हमने डिजाइन की पूरी लाइन पूरी कर ली है। अब हम पीछे की साइड में आएंगे, दूसरी साइड। देखिए इस साइड से हम देखिए पूरी लाइन उल्टी बुनाई करेंगे। देखिए इस तरह से देखिए इसको हम मोती वाली बुनाई बोलते हैं। इस लाइन में हम पूरी मोती वाली बुनाई से बुनाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से देखिए
पूरा फंदे को हम इसी तरह बुन लेंगे। ये देखिए ऐसे। पूरा लाइन हम इसी तरह से बुन लेंगे। देखिए पहली लाइन में हमने, पहली सिलाई में हमने दो सीधा बुनाई की थी और इस तीन फंदे से हम डिजाइन बनाए थे। तो अभी हम देखिए इस पहले फंदे को हम उतार लेंगे और इस फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये जो तीन फंदों की हमने बुनाई की थी, पहले फंदा बुन ली है और ये दूसरी फंदे को हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से। और फिर इस तीन फंदे से हम एक इस डिजाइन का फंदा, एक इस डिजाइन का फंदा और बीच वाले तीन फंदे से हम इस बार डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। इस तरह से तीन फंदे हमारे हो गए। अब हम इस वाले को नीचे उतार देंगे। अब हम फिर से इस ऊन को आगे करेंगे और इस बीच वाले फंदे को, देखिए तीन फंदे हमने बुनाई की थी तो इस बीच वाले फंदे को हम इस तरह से बुनेंगे। और फिर इस ऊन को पीछे ले जाएंगे और इस तीन फंदे से हम 1 2 3, इस तीन फंदे से हम फिर से इसी तरह से इसमें से तीन फंदे निकालेंगे। 1 2 और 3, इस तरह से हम तीन फंदे निकालेंगे। और फिर से हम एक बार इस तरह से बीच वाले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे और फिर इसको पीछे ले जाएंगे। और फिर इस तीन फंदे से, देखिए एक फंदे इस डिजाइन का और एक फंदा इस डिजाइन का, और बीच में जो हम उल्टा बुन रहे हैं वो वाला रहेगा बीच में। ये देखिए इस तरह से इस तीन फंदे को हम इस तरह से लेंगे और इस तरह, देखिए एक फंदा निकल गया, दूसरा और इसमें फिर से तीसरा। देखिए इस तरह से फिर एक, इसी तरह हम पूरा यहाँ तक बना लेंगे। देखिए हमारी तीसरी लाइन भी पूरी हो गई है। अब हम पीछे साइड में आएंगे और इस साइड में फिर हम उसी तरह से पूरी लाइन इस तरह उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये डिजाइन सिर्फ एक लाइन में ही बनती है। बनाना बहुत आसान है। देखिए इस तरह से हम यहाँ तक बुन लेंगे। देखिए आगे कांटा में हम पिछला लाइन में हम देखिए 1 2 3 सीधा बुनाई किए थे और एक उल्टा बुनाई किए थे। अब हम यहाँ पे एक फंदे को उतार लेंगे इस तरह से और एक फंदे को इस तरह से हम सीधा बुन लेंगे। और इस वाले फंदे को से हम, देखिए तीन फंदे से हम डिजाइन बनाएंगे। देखिए 1 2 3, इस तीन फंदे से पहले डिजाइन बना था, 1 2 3, इस तीन फंदे में डिजाइन बना था। अब हम इस तीन फंदे से बनाएंगे डिजाइन। ये देखिए इस तरह से। ऐसे फिर आगे ले आएंगे और इसको इस तरह से फिर पीछे ले जाएंगे और एक टाइम और एक फंदा और निकालेंगे। देखिए हमारा तीन फंदा निकल गया, 1 2 3। अब इस वाले फंदे को हम नीचे उतार देंगे ऐसे और फिर इसको आगे ले आएंगे और इसे इस तरह से एक बुनाई करेंगे और फिर पीछे ले जाएंगे और फिर इस तीन फंदे से हम
ऐसे इस तीन फंदे से हम फिर से बनाएंगे। देखिए एक, फिर इस तरह से दो और इस तरह से तीन। ये देखिए तीन फंदे हमारे आ गए। अब इस तीन फंदे को हम नीचे उतार देंगे, फिर आगे ले आएंगे और फिर एक इस तरह से उल्टा बुनाई करेंगे, फिर पीछे ले जाएंगे और फिर इस वाले एक इस वाले डिजाइन से और एक इस डिजाइन से फंदे को लेंगे और एक बीच वाले तीन फंदे से हम फिर बुनाई करेंगे। देखिए ऐसे तीन हो गए, इसको उतार देंगे, फिर इसे एक उल्टा बुनाई करेंगे और फिर इस तीन फंदे से हम फिर डिजाइन बनाएंगे। इसी तरह हम पूरा लाइन बना लेंगे। देखिए हमने लाइन पूरा कर ली है, अब हम पीछे आएंगे। देखिए उल्टा साइड में फिर से एक पहले फंदे को हम इस तरह से उतार लेंगे और दूसरे फंदे को हम इस तरह से उल्टा बीनेंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, अब पूरी लाइन हम इसी तरह से बना लेंगे। देखिए फिर हम उल्टा लाइन को पूरा कर लिए, फिर सीधा साइड में आ गए हैं हम। अब देखिए एक फंदे को उतार लेंगे और इस तरह से हम दो फंदे इस तरह बना लेंगे और इस बीच वाले फंदे को हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे और फिर ऐसे पीछे करके देखिए एक दो तीन, इस तीन फंदे से हम डिजाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक फंदा आ गया, दूसरा और फिर से ये तीसरा। देखिए तीन फंदे हमारे हो गए, एक दो तीन, और इस वाले सलाई से तीन फंदे हम नीचे उतार देंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से, देखिए पूरा स्वेटर में इसी तरह का डिजाइन चलेगा। देखिए तीन फंदों से हम इस तरह के डिजाइन बनाते हैं ऐसे। ये देखिए इसी तरह से हम पूरा लाइन बना लेंगे। देखिए इसी तरह हम बना लेंगे। देखिए हमने डिजाइन को बना लिया है। ये देखिए मेन स्वेटर का डिजाइन है, बहुत ही सुंदर लगता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।